स्टूडेंट इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस पे आते डायरेक्ट, क्योंकि कल मैंने इसका रिवीजन आपको और एक आपको ओवरव्यू दिया था कि कितने टाइप्स के आपके इनहेरिटेंस होते हैं और कैसे क्या करते हैं, साइज निकालना, किस टाइप का इनहेरिटेंस है। कल मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, उनको लीव करो, आज मैं फिर दोबारा उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्टली हमने ये क्वेश्चन नोट डाउन किया, क्लास लेट, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा करेंगे, ए बी सी, एक क्लास हमने लेट कर ली, किस नाम की, एबीसी नाम की, ठीक है। इसमें मैंने लेट किया इंट ए पब्लिक फर्स्ट फंक्शन वॉइड आई वन, ठीक है, इंट बी प्रोटेक्टेड इंट सी, क्वेश्चन गिवन होगा आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको क्या होगा वहां पर दिया होगा, ठीक बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। void i, ये आपकी हो गई एक फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है। सेकंड क्लास ऐड कर लेते हैं, क्लास y, और इसमें जो डाटा आपका सेंड हो रहा है एबीसी का, एबीसी का डाटा किस फॉर्म में सेंड हो रहा है, पब्लिक फॉर्म में सेंड हो रहा है, पब्लिक ए बी सी। अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको, थोड़ा समझना ध्यान से, है ना। नेक्स्ट है प्राइवेट, प्राइवेट एंटिटी, ठीक, पब्लिक वॉइड आई थ्री प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड थोड़ा माइनस कर लो इस तरह से, है ना। एक अनदर क्लास ले लेते हैं, क्लास जेड, इसमें डाटा आ रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाई का प्राइवेट, ठीक, इंट ई, समझना स्टूडेंट ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है ये बोर्ड में, इंट ई पब्लिक बॉय I5, ये आपका ही क्वेश्चन गिवन है। तो इस तरीके से एक आपका क्वेश्चन गिवन रहेगा स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक छोटी सी, देखो बेटा मैं सबको कर रहा हूँ म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ठीक है, इसलिए सबको क्या कर दे रहा हूँ म्यूट। अब देखिएगा, अब सामने देखना स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन आउट है, कुछ नहीं है उसमें, कि इस क्वेश्चन में किस टाइप का इनहेरिटेंस है, इन विच कोडिंग, इस मतलब फॉलोइंग कोडिंग में किस तरीके का इनहेरिटेंस प्रेजेंट है। तो मैंने आपको 5 तरीके के इनहेरिटेंस बताए थे कल, परसों ही बताए थे, 3 दिन से चैप्टर चल रहा है, आज इसका लास्ट डे है, फिर आगे बढ़ेंगे एरे वाले चैप्टर में। पहला कौन सा इनहेरिटेंस होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। इन सिंगल इनहेरिटेंस एक बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास में आपका डाटा सेट होता है, जो बेस क्लास होती है वही एरो लगता है, इसका मतलब है कि एक्स क्लास से वाई क्लास में डाटा सेट हो रहा है। तो एक्स क्लास हमारी क्या कहलाएगी, बेस क्लास, ये क्लास कहलाएगी ड्राइव क्लास, ठीक है ना, ड्राइव या सब क्लास। तो ये हमारा किस तरह का इनहेरिटेंस होता है, ये हमारा होता है सिंगल इनहेरिटेंस, जब एक ही बेस क्लास से एक ही ड्राइव क्लास में डाटा सेट होता है। दूसरा मैंने बताया था, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मीन्स जब एक हमारी एक जब सब क्लास किसी अनदर सब क्लास के लिए बेस क्लास होती है, तो इट इज नोन एज, ये हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल समझ में आ गया ना। तीसरा होता है आपका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो जब आपका टू और मोर बेस क्लासेस से डाटा एक में आता, व्हेन टू और मोर बेस क्लासेस अरे लेफ्ट में आपके लेफ्ट में, हाँ, इन गोलों में, हाँ, ठीक है, इनहेरिटेंस वाले गोलों में,
रेड कर लो, ठीक है। तो अब ये हमारी किस तरह की यानी किस तरह का इनहेरिटेंस होगा हमारा, हमारा होगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। स्टूडेंट कुछ नए बच्चे जोड़े हैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, उसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अब, इसलिए बैकग्राउंड में हो सके उतना कम बोलो, ठीक है। तो इसको फिर मैं क्या करूंगा, अपलोड करके आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा, फिर आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, ठीक। एक आता है अब नंबर थर्ड, तीन मैंने बता दिया आपको, फोर्थ होता है आपका हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस। हायरार्किकल मींस जब एक आपकी बेस क्लास का डाटा टू और मोर सब क्लासेस में सेंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक से डाटा किसमें जा रहा है, टू और मोर बेस क्लासेस में, तो ये हमारा इनहेरिटेंस कैसे कहलाता है स्टूडेंट, हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस, ठीक है। एक लास्ट इनहेरिटेंस होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि व्हेन टू और मोर इनहेरिटेंस कंबाइंड टुगेदर, टू और मोर इनहेरिटेंस फॉर्म्स कंबाइंड टुगेदर, जब टू और मोर फॉर्म्स कंबाइंड होती है इनहेरिटेंस की, जितनी मैंने आपको टाइप्स बताए, तो वो एक नया एक मतलब फॉर्म क्रिएट करती है जिसका नाम क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स जैसे मान लो ये है आपका, ठीक हो गया बेटा, ये हमारा हो गया डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू और मान लीजिए इधर, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, हाइब्रिड। क्यों हो गया भाई, देखो हायरार्किकल भी है यहाँ पर और आपका क्या है मल्टीपल भी है और मल्टी लेवल भी है, क्योंकि इसके लिए ये क्या है बेस क्लास है, तो यहाँ पर तीन तीन फॉर्म हमारी कंबाइंड हो गए, तो ये हमारा किसका एग्जांपल होगा, हाइब्रिड का होगा। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर हायरार्किकल भी हो गया, हायरार्किकल के साथ साथ मल्टीपल भी हो गया, मल्टीपल के साथ साथ ये क्या हो गया मल्टी लेवल भी हो गया, क्योंकि एक लेवल दूसरी लेवल, ठीक है ना, ठीक। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, थोड़ा समझना स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन आज आपने कर लिए तो ये समझ लो इनहेरिटेंस के क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड में वो निश्चित सॉल्व होने वाले हैं आपसे, कोई फंसने वाला नहीं। कल मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर कोई भी एक बेस क्लास पब्लिकली अगर ड्राइव क्लास में सेंड हो रही है, भाई इसके कितने विजिबिलिटी मोड होते हैं, तीन विजिबिलिटी मोड होते हैं। विजिबिलिटी मोड का मतलब है कि बेस क्लास ड्राइव क्लास रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, बेस क्लास ड्राइव क्लास में किस फॉर्म में सेंड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके रूल्स उस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड, ठीक है। तो विजिबिलिटी मोड पहला कौन सा होता है आपका, पब्लिक, कौन सा होता है पब्लिक। इसका विजिबिलिटी मोड का मतलब है, तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक क्लास की फीचर है कि इन इसमें क्या कर सकते हैं, एक क्लास के डाटा को दूसरी क्लास में सेंड, दूसरे क्लास में भेज सकते हैं, विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, और रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टूडेंट क्या कहलाते हैं हमारे, और रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारे क्या कहलाते हैं, विजिबिलिटीज, विजिबिलिटी मोड, ठीक है। पहला विजिबिलिटी मोड होता है पब्लिक, अगर कोई बेस क्लास पब्लिकली सेंड हो रही है ड्राइव क्लास में, देन उस केस में क्या होगा, बेस क्लास का पब्लिक मेंबर पब्लिक में ही जाएगा, ड्राइव क्लास की पब्लिक में जाएगा, पब्लिक में और प्रोटेक्टेड कहां जाएगा, प्रोटेक्टेड में, आप प्रोटेक्टेड कहां जाएगा, उसके ड्राइव क्लास प्रोटेक्टेड में, ठीक है। प्राइवेट तो बेटा तीनों में कहीं जाता कहीं नहीं जाएगा, प्राइवेट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट रहता है डाटा, वो हिडन रहता है, हिडन डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट जब भी जुड़ता है स्टूडेंट कि एटलीस्ट वी कैन नॉट ट्रांसफर द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ एनी क्लास टू अनदर क्लास, एक क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को दूसरी क्लास में क्या नहीं कर सकते, सेंड नहीं कर सकते, इसलिए डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट आता है। क्लास इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ पर ये कॉल किससे होते हैं, सब ऑब्जेक्ट से तो होते हैं पब्लिक की मेंबर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट मीन ऊप्स ही बोल देते हैं, ऊप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्लास एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहलाती है, उसी का एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ ले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो क्लास ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसकी फीचर्स बताइए दो तीन, डाटा हाइडिंग, डाटा एनकैप्सुलेशन, ये सब इसकी फीचर्स है। डाटा हाइडिंग का मैंने मतलब बताया था, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी कॉल बाय द वाई एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, पब्लिक के थ्रू कॉल होते हैं, मैं बताऊंगा। और डाटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग अमंग दीस, वेरी गुड, दीस ऑल इन तीनों के बीच की, गुड। तो ये कहलाती है डाटा एनकैप्सुलेशन, क्वेश्चन मिलेगा इस पर आपको।
दूसरा विजिबिलिटी मोड होता है प्राइवेट. कौन सा होता है? प्राइवेट. प्राइवेट से पहले कर लीजिए आप प्रोटेक्टेड, ठीक है, उसे डिफरेंट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड कर लीजिए, ठीक है. प्रोटेक्टेड में क्या होता है? बेस क्लास के पब्लिक पब्लिक प्रोटेक्टेड में ये आपके कहाँ चले जाएंगे? ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड में चले जाते हैं, प्रोटेक्टेड. एंड बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर तो कहीं जाता नहीं, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना. तीसरा और लास्ट होता है विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, ठीक है बेटा. बेस क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड दोनों प्राइवेट में डाले जाएंगे, चले जाएंगे. वेरी गुड, तैयारी बहुत अच्छी लग रही तुम्हारी बेटा. बेस क्लास के प्राइवेट में, थैंक यू सर, कहीं भी सेंड नहीं होंगे, ठीक है. तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट? विजिबिलिटी मोड है. अच्छा स्टूडेंट, आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले कि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड और प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या डिफरेंस है? तो प्रोटेक्टेड मींस प्रोटेक्टेड ट्रांसफर हो जाता है दूसरे क्लास में, प्राइवेट नहीं होता. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. देखो इन अ प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी बेस क्लास विल ट्रांसफर टू प्रोटेक्टेड सेक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, बट प्राइवेट कैन नॉट बी इन इट. बट इन प्राइवेट में क्या होता है? आई यूज्ड टू सीएस पढ़ने के आ गया. स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, समझना बड़ा ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसमें 101% कि इस प्रोग्रामिंग में किस तरीके का इनहेरिटेंस है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि इन दिस प्रोग्रामिंग विच इनहेरिटेंस इज अप्लाइड या फॉर्म, ठीक है. तो आप इसका एक फिगर बना के देखिए. यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि एबीसी का डाटा कहाँ जा रहा है? एबीसी का डाटा जा रहा है वाई में, डाटा वाई में जा रहा है. और किस है ना विजिबिलिटी मोड के साथ जा रहा है? पब्लिक विजिबिलिटी मोड के साथ, पब्लिकली, ठीक है. एंड वाई क्लास का डाटा सेंड हो रहा है जेड में. अब यहाँ पे विजिबिलिटी मोड दिखाई नहीं है, तो यहाँ कौन सा मोड मानते भाई? तो प्राइवेट होगा. प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट. अगर किसी विजिबिलिटी मोड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो देन हम किस अगर मोड को मानेंगे? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड को मानते हैं. तो अब देखो, अगर इसके फॉर्म में मैं करता हूँ स्टूडेंट, तो क्या आएगी फॉर्म? ए बी सी के डाटा किस में सेंड हो रहा है? बाई में. और बाई किस में सेंड हो रहा है? बताओ, ये कौन सी बन गई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, किस तरीके का इनहेरिटेंस इसमें है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, ठीक है. चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स है, पहला वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा. दूसरा क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट? दूसरा क्वेश्चन आता है कि एबीसी का साइज बताओ, एबीसी का या वाई वाई ऑब्जेक्ट का साइज बताओ, वाई क्लास के ऑब्जेक्ट का या फिर जेड क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज बताएंगे. तो मैंने साइज के लिए स्टूडेंट कल ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इंट का साइज कितना होता है? एक इंटीजर वेरिएबल का 2 bytes. कितना होता है? दो. एक इंटीजर का होता है 2 bytes. फ्लोट का कितना होता है? एक का 4 bytes. चार, है ना. डबल का कितना होता है? डबल इसका फ्लोट का बड़ा भाई है, कितना होता है? 8. और आठ. आठ इंटीजर का बड़ा भाई कौन है? लॉन्ग. इसका कितना होता है? इसका भी कितना होता है? 1. एक. अगर आपको तैयार है तो आप साइज आराम से निकाल सकते हैं. अब आप देखिए कि इस अरे क्लास का साइज कितना है. ये ए की वेरिएबल है, अगर एरे होता, मान लो ए अरे 10 होता, तो कितना साइज होता उसका? 20 होता. 20. ए इंट ए हमारा एक सिंगल वेरिएबल है, तो इसका साइज कितना होगा? 2. 2. 2 हो गया इसका और 2 हो गया इसका, 4. 6. 6. साइज हो गए, क्योंकि ए की एक ही सिंगल सिंगल, ठीक है ना. तो 2 2 2 6 5 हो गए. अब इसमें आ जाइए, वाई का साइज निकालो, इसका 2 है ओनली, एक ही तो दिख रहा है. जो वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट क्लास में उन्हीं का साइज निकाला जाता है, भले वो प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, ठीक है. और किसी का साइज नहीं निकाला जाता, कोई फंक्शन का साइज नहीं निकालते हम. और अगर कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड में होगा सर, अगर कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड में होगा तो कहीं भी, अच्छा, कहीं भी क्लास में कहीं भी उसका साइज कैलकुलेट होगा, बट वो वेरिएबल्स. अच्छा उत्कर्ष जी, वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं क्लास के वेरिएबल्स को? डाटा मेंबर, डाटा मेंबर, डाटा मेंबर. और उनके फंक्शंस को, और फंक्शंस को मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन. ये क्वेश्चन 2 साल पहले आया था, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं किसी क्लास के. तो मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं बेटा?
जो फंक्शन इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? सर एक क्वेश्चन और था सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे क्लास वाई है तो क्लास वाई का साइज पूछा वेरिएबल का, तो जो क्लास ए के वेरिएबल ट्रांसफर हो रहे हैं उनको भी जोड़ के बताए। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, तीसरा होता है मेंबर। तो डाटा मेंबर में क्या चीज आती है स्टूडेंट, ऑनली वेरिएबल्स आते हैं। मेंबर फंक्शन में क्या आते हैं, फंक्शन आते हैं। और मेंबर नाम ले दिया जाए किसी क्लास के तो उसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। मेंबर का मतलब है कि फंक्शन भी इंक्लूडेड है उसमें और आपके वेरिएबल्स और वेरिएबल। अब देखिए, अब इसका साइज निकालते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं एबीसी क्लास का साइज निकालता हूँ, किसका साइज निकालता हूँ, एबीसी का। अच्छा एबीसी में किसी और अनदर क्लास का डाटा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो हाँ। नहीं एबीसी में नहीं आ रहा, एबीसी का जा रहा है। हाँ तो एबीसी का साइज कितना रहेगा, 6 बाइट्स रहेगा, 6 बाइट, 6 बाइट। अब y क्लास की बात करते हैं, y क्लास का साइज कितना है बेटा, वैसे इंडिविजुअली 2 बाइट, और z का साइज कितना कितना होगा, 2। z का तो 2 है, z का 2 है। हां एबीसी क्लास का डाटा y में भी सेंड हो रहा है तो क्या होगा, 6 प्लस 2 बराबर 8 प्लस 2 बराबर, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 बाइट, 8 बाइट। ऐसे z का 6 यहाँ से आ रहा है 10 बाइट, 6 यहाँ से आ रहा है 2 इसका था और 2 इसका खुद है। ठीक है भाई, इसका वैसे एक्चुअल साइज कितना है, 2 वाला बाइट्स है ना, तो 6 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है कितना हो गया इसका बाइट्स, कितना हो गया 10 बाइट, कितना हो गया 10 बाइट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइज निकाल सकते हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है। अब तीसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तीसरे आप चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एबीसी का साइज कितना आ गया, 2, अब कितना 6 बाइट, और वाई का साइज कितना आ गया, कितना था बेटा 8 बाइट्स, और जेड का साइज कितना आ गया 10 बाइट्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो दो क्वेश्चन बचे हुए उनको थोड़ा सा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला तो आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट किसको स्टोर कर सकता है, कॉल कर सकता है, बताओ, पब्लिक के फंक्शंस को। ऑब्जेक्ट कैन कॉल पब्लिक। ऑब्जेक्ट पब्लिक के अंदर जो भी डाटा मेंबर्स होंगे या मेंबर फंक्शंस होंगे उन्हीं को कॉल कर सकता है। मतलब अगर मैं एबीसी के ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो एबीसी का ऑब्जेक्ट किस किस को कॉल कर पाएगा, उत्तर एक तो इसको कॉल कर पाएगा और एक इसको कॉल कर पाएगा। हाँ, इसको बस। ऑब्जेक्ट कैन कॉल ओनली पब्लिक, समझ में आ गया ना। अब बात आती है पब्लिक बेटे, पब्लिक कैन कॉल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड बोथ ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास। जिस मान लो मैं इसके पब्लिक की बात कर रहा हूँ, इसका फंक्शन जो पब्लिक का किन किन को कॉल कर सकता है, जो इसके अंदर है और जो ऊपर से दूसरी क्लास से आ रहे हैं उन सभी को कॉल कर सकता है। तो अभी तो इस क्लास में कहीं और से तो आ नहीं रहे, तो ये तो बेस क्लास है, तो इस पब्लिक का कोई मेंबर फंक्शन किस किस को कॉल कर सकता है, सभी को, इसको भी कर सकता सबको, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कॉल कर सकता है, इसको भी कॉल कर सकता है। तो पब्लिक कैन कॉल ऑल जो पहले से उस क्लास में प्रेजेंट है या फिर कहीं दूसरी क्लास से इनहेरिट हुआ है, उन सभी को कॉल कर सकता है, पब्लिक कैन कॉल ऑल। अब आपके क्वेश्चन खत्म, कैसे देखो। और दूसरी बात, अगर यहाँ वेरिएबल के ऊपर कोई स्कोप नहीं लिखा हुआ विजिबिलिटी मोड, तो हम किस तरह का विजिबिलिटी मोड मानते हैं बेटा, आंसर प्राइवेट। बच्चे कुछ 50% बच्चे पढ़ रहे हैं और 50% बच्चे को मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बट पढ़ना और स्ट्रेट को। तो अगर कहीं कोई विजिबिलिटी मोड नहीं लिखा हुआ है तो हम किस तरह का मानते हैं विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट मोड मान लेते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट विजिबिलिटी मीन स्पेसिफायर या सेक्शन जो भी है। अब दो क्वेश्चन समझना, मैं आपसे कहता हूं अब क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको समझना। क्लास वाई का ऑब्जेक्ट किन किन डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकता है, इट मीन्स क्लास वाई ऑब्जेक्ट जो है किस किस डाटा पब्लिक को कॉल करेगा और पब्लिक में जो आ रहे होंगे वो भी कॉल हो जाएंगे दूसरे वाले क्लास के। तो क्लास वाई का ऑब्जेक्ट किन किन डाटा मेंबर्स, मतलब वेरिएबल, डाटा मेंबर्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल।
वेरिएबल वेरिएबल्स को कॉल कर सकता है। तो बच्चों सबसे फर्स्टली इसका आंसर निकालने से पहले मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस क्लास में कोई दूसरी क्लास के तो नहीं आ रहे हैं। आ रहे भैया इसके पब्लिक में वाई के, तो ये भी इसके पब्लिक में आ गया और ये भी इसके पब्लिक में आ गया। चल आ गए ना, ये आगे। अब प्रोटेक्टेड वाले कहाँ चले जाते हैं? प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में चले जाते हैं। बढ़िया प्रोटेक्टेड बना रही है तो आप ही नहीं तो हम खुद बना देंगे। एक अपने आप ही क्या कर दो, बना बना देंगे खुद, है ना? प्रोटेक्टेड, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। तो ये प्रोटेक्टेड यहाँ चला गया और ये भी प्रोटेक्टेड और नीचे वाला भी चला गया, ठीक है ना? समझ आ गया ना बेटा? क्लियर तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये प्रोटेक्टेड सेक्शन में हमारे आगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं कहता हूँ क्लास का ऑब्जेक्ट, वाई क्लास का ऑब्जेक्ट किन किन डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकता है? तो ऑब्जेक्ट कैन कॉल ओनली पब्लिक। तो पब्लिक, पब्लिक में कोई डाटा मेंबर है क्या, या कोई दूसरी क्लास से आ रहा है? इंट बी, इंट बी, हाँ इंट वाला है, इंट बी। तो क्लास वाई का ऑब्जेक्ट किन किन डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकता है? ओनली इंट बी को कॉल कर सकता है, ठीक है? दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर कभी भी दूसरी क्लास में नहीं आता है। अगर यह एबीसी नाम का फंक्शन होता या है तो वो दूसरी क्लास में नहीं जाता। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कनेक्ट टू अनदर क्लास, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अगर यहाँ नाम, अच्छा तो फिर डिस्ट्रक्टर भी नहीं होगा, तो उसको दूसरी क्लास में मत भेज देना। फंक्शन जाते हैं और वेरिएबल जाते हैं, डाटा नंबर जाते हैं, पर कोई कंस्ट्रक्टर अब आप तुरंत पहचान लोगे। भाई अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ए बी सी क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्योंकि उसका नाम क्लास नेम से सेम के तरह से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी रेड टू अनदर क्लास, उनको दूसरी क्लास में भेजना मत, ठीक है? वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट वो इनहेरिट नहीं करते दूसरी क्लास में, ठीक है भैया? क्लियर हो गया? तो पहला आंसर समझ आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन बात करता हूँ कि क्लास वाई, क्लास वाई का ऑब्जेक्ट किन किन मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकता है, बताइए गंगवा जी। तो ऑब्जेक्ट कैन, क्या एक बार क्वेश्चन और बोलिए, क्लास वाई का ऑब्जेक्ट किस किस मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है? तो एक, एक तो ये वर्ड आई आई वन और वर्ड आई थ्री। ऑब्जेक्ट कैन कॉल पब्लिक, पब्लिक, ऑब्जेक्ट पब्लिक, पब्लिक। अब इसमें जो ये यहाँ पर है और जो यहाँ से आ रहे हैं पब्लिक में उनको कॉल कर लेगा। तो पहला कौन सा होगा? वॉइड आई थ्री, वॉइड आई थ्री और वॉइड आई वन, आई वन, आई वन, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट कैन कॉल पब्लिक। एक क्वेश्चन करा पब्लिक पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं एक क्वेश्चन इसको चेंज करता हूँ कि अब क्लास वाई का ऑब्जेक्ट किन किन मेंबर को कॉल कर सकता है? तो मेंबर में स्टूडेंट दोनों चीजें आती है, तीनों को आ जाएगा, वर्ड आई वन, वर्ड आई थ्री, इंट बी, क्योंकि मेंबर में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों आ जाते हैं। गुड है ना? इट मींस मेंबर की बात आती है तो मेंबर में डाटा मेंबर भी हो जाते हैं और मेंबर फंक्शन भी। तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका? होगा वर्ड आई थ्री, वर्ड आई वन और इंट बी, ये तीनों के तीनों आपके आंसर के रूप में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ कि क्लास वाई का पब्लिक का कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड कुछ भी है तो वो किन किन डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकता है, किन किन डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकता है? इट मीन द फंक्शन ऑफ वाई, जो कोई भी है पब्लिक फंक्शन ऑफ वाई कैन कॉल किन किन आपके डाटा, इतने डाटा मेंबर्स को कॉल कर पाएगा, किन-किन तो कर पाएगा स्टूडेंट? तो पब्लिक कैन कॉल जो इसमें आ रहे होंगे वो सारे, सारे जो इसमें आ रहे होंगे आपके पहले से है और जो इसमें आ रहे हैं। तो पब्लिक कैन कॉल ऑल, पब्लिक किसको कॉल कर देता है? सभी को कॉल करता है, पब्लिक का भी फंक्शन है। तो यहाँ डाटा मेंबर्स की बात हो रही है, अब तक कम हुआ ध्यान रखना। तो यहाँ डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ से
या ज़ियारा एंटीबी एंटीबी हो गया और कोई डाटा नंबर हाँ और एक और आ रहा है तीन हो गए इंटर डी बी सी क्या आंसर हो गए इंटर डी बी सी डी तो यहाँ पहले से है और बी और सी यहाँ से आ रहे हैं समझ में आ गया ना क्लियर हो गया अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ कि क्लास वाई का पब्लिक मेंबर फंक्शन किन किन मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है तो जो इस क्लास में है और जो बाहर से आ रहे सभी को कॉल कर लेगा स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है कौन कौन से है एक तो आई थ्री हो गया ठीक है और इस यहाँ से कौन कौन से आ रहे हैं आई वन आ रहा है और अवॉइड आई और आई बस हो गए और आई थ्री आई वन और आई ये तीनों फंक्शन हमारे कॉल हो जाएंगे किससे पब्लिक पब्लिक फंक्शन वाई के पब्लिक फंक्शन कॉल हो जाएंगे ठीक है सर पेपर में सर पेपर अगर वो मेंबर की बात करता है तो मेंबर कौन कौन से होंगे जो इसमें पहले से है मेंबर में डाटा मेंबर भी हो जाते हैं और कौन कौन हो जाता है मेंबर फंक्शन भी हो जाते हैं तो क्या आंसर होगा इंटू डी वॉइड आई डी वॉइड आई थ्री वॉइड आई वन इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटे को छोड़ के सब हो जाएंगे इंटे को छोड़ के सब हो जाएंगे क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं इसमें अच्छा अब सर मैं ये कह रहा हूँ सर 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 कंस्ट्रक्टर वाला सुनिए अगर एक क्वेश्चन कि इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा ये क्वेश्चन और प्रोग्रामिंग में अगर मैं क्लास किसी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो सबसे फर्स्टली कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा तो स्टूडेंट ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है पहले बेस क्लास का ए बी सी के बाद क्या स्ट्रक्चर है इसका ए बी वाई 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 और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर आ रहा है इसका इसका क्या जेड अरे वाई और जेड वाई से नीचे वो ठीक है ना अरे अरे नहीं ऐसे नहीं है सर ये उल्टा है ये ऐसे है कैसे वेरी गुड बेटा गंगवार तुम्हारी जानी बहुत अच्छी लग रही बोले बहुत बढ़िया वेरी नाइस देखिए अब देखो यहाँ ए बी सी अब मैं पूछता हूँ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा तो ऑलवेज आप ध्यान रखना हमेशा कि सबसे पहले कॉल होता है बेस क्लास का होता है सबसे पहले बेस बेस क्लास कौन सी बेटा जेड की बेस क्लास वाई ए बी सी बेस क्लास ए बी सी है ठीक है ना ए बी सी सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसका ए बी सी सेकेंड नंबर फिर ये बॉटम पे चला जाएगा सेकंड थर्ड नंबर ये जेड का प्रोसेस होगा अगर मैं इसमें डेस्ट्रक्टर की बात करता हूँ तो डेस्ट्रक्टर बेटा जस्ट अपोजिट होता है डेस्ट्रक्टर पहले इसका कौन होगा सबसे छोटे वाले से जाएगा कंस्ट्रक्टर में जस्ट उल्टा होता है ना उसकी वर्किंग तो इसीलिए वो यहाँ से कॉल होता है समझ में आ गया बेटा तो ये हमारी क्या आती है क्वेश्चन हमारे ठीक है बस थोड़ा सा और है इसमें देखिएगा अगर मैं क्लास जेड कर देता हूँ यहाँ देखना यहाँ खुशी लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं प्राइवेट लिख देते हैं प्राइवेट ठीक है तो यहाँ पर कैसा स्पेसिफायर आ जाएगा यहाँ पर प्राइवेट स्पेसिफायर आ जाएगा प्राइवेट स्पेसिफायर तो प्राइवेट स्पेसिफायर क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि क्लास जेड का ऑब्जेक्ट किन किन मेंबर्स को कॉल कर सकता है तो क्लास जेड का ऑब्जेक्ट है किसका क्लास जेड का ऑब्जेक्ट किन किन मेंबर्स को कॉल कर सकता है तो स्टूडेंट मेंबर्स में क्या होता है डाटा मेंबर्स भी आ जाते हैं और क्या डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन तो यहाँ से सबसे पहले हमें बाई को इसमें लाना पड़ेगा तो जो अपडेटेड क्लास है ना बेटा उसको लाएंगे यार तो अपडेटेड क्लास है बाई में क्या क्या आ चुका था आई वन भी आ चुका है बी भी आ चुका है सी भी आ चुका है आई भी आ चुका है ना तो इनको अब जो क्लास लेंगे वो अपडेटेड लेंगे इनको भी यहाँ कंसीडर करके फिर इनको यहाँ पहुंचाएंगे सही में क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है पहले एबीसी इसमें आएगा फिर ये अपडेट हो जाएगी फिर इसका इसमें आएगा इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है तो यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं अब ये प्राइवेटली आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइवेटली आता है तो प्राइवेट तो उसके बेस क्लास में कहीं जाते नहीं है ठीक है ना पर इसका मतलब है बाई का डाटा कहाँ जा रहा है जेड में जा रहा है कहाँ जा रहा है जेड में तो इसका मतलब है कि बाई क्लास का int d तो z क्लास में सेंड ही नहीं होगा क्योंकि बेस क्लास का प्राइवेट तो कहीं जाता नहीं है बचे कौन कौन से आपके पब्लिक और प्रोटेक्टेड
पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों कहाँ चले जाते हैं, प्राइवेट सेक्शन में चले जाते हैं। तो प्राइवेट में स्टूडेंट क्या क्या आ जाएगा, प्राइवेट में तो एक तो आ जाएगा आई वन बी सी आई, है ना, क्या आ गया, क्या आ गया बेटा आई बी बी आ गया, ठीक है ना, और क्या आ गया आई वन, और क्या आई वन सी आ गया, सी आ गया ना। अब और आई थ्री, आई थ्री, आई थ्री, वेरी गुड, आई थ्री बहुत अच्छी तैयारी बट सॉरी वेरी गुड। अब इसके बाद प्रोडक्ट में बस, तो ये सब कहाँ से आ गए, इसके प्राइवेट है प्रोटेक्टेड में है, प्रोटेक्टेड में है, इंट सी और वाइड आई, इंट सी है, देखिए हमने वो सी लिख लिया और ये भी लिख लिया, हाँ ठीक 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 सब लिख लिए। इसका मतलब है जो इस क्लास में थे वो सब के सब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्राइवेट सेक्शन में, खाली किसको छोड़ के, प्राइवेट सेक्शन को छोड़ के बाकी सभी जो है इस क्लास में वो कहाँ जाएंगे, इसके प्राइवेट सेक्शन में आ जाएंगे। ये तो है कि बेस क्लास का प्राइवेट तो कहीं जाएगा नहीं अगर प्राइवेट स्पेसिफाइड से कोई क्लास ट्रांसफर हो रही है, और रेस्ट जो बचे हुए हैं उस क्लास के कहां जाते हैं, उसके प्राइवेट सेक्शन में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऑब्जेक्ट किन किन मेंबर को कॉल कर सकता है, तो गंगवार जी और अदर स्टूडेंट देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन कॉल ओनली पब्लिक, और पब्लिक में क्या है, वॉइड आई फाइव, वॉइड आई फाइव आंसर आ गया आई फाइव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैन कॉल ओनली पब्लिक, पब्लिक को कॉल कर पाता है, इसीलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पर आई फाइव हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका जो पब्लिक का जो फंक्शन है किसका, क्लास जेड का, क्लास जेड का पब्लिक का फंक्शन है आई, कोई भी होगा वो किन किन मेंबर्स को कॉल कर सकता है, तो मेंबर में सब आ जाते हैं, तो किन किन मेंबर को कॉल कर सकता है, जो इस क्लास में है और जो ऊपर से कहीं से आए हैं सभी को, ऑल पब्लिक का फंक्शन कैन कॉल ऑल, तो यहाँ पर क्या होगा आई आई थ्री बी आई वन सी आई फाइव सब आंसर आ जाएंगे। तो दो ही चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट कैन कॉल ओनली पब्लिक एंड पब्लिक का फंक्शन कैन कॉल ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पब्लिक के फंक्शन की बात हुई है कि पब्लिक का फंक्शन किन किन मेंबर को कॉल कर सकता है, तो मेंबर में सभी चीजें आती है, डाटा मेंबर भी आते हैं और मेंबर फंक्शंस भी आते हैं, तो क्या आंसर होगा यहाँ पर आई आई थ्री बी आई वन सी ई आई फाइव, सब आंसर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन स्टूडेंट पूरा हो गया, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर कर देता हूँ ए बी सी और क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना, आए तो मुझसे पूछिएगा, तो आज ये इनहेरिटेंस क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अगर किसी की कोई क्वेरी होती है तो मुझे पूछ लीजिएगा, तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा एरे, तो अभी मैं ये वाली वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी देर में एक लिंक भेजूंगा उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अब मैं रिकॉर्ड।